हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लुक एट दिस वन पॉइंट। इस एक पॉइंट से पास होने वाली हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, लाइक दिस। एक सिंगल पॉइंट से हम इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ लुक एट दिस टू पॉइंट्स। इस दो पॉइंट से पास होने वाली हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? यस, इस दो पॉइंट से पास होने वाली हम सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। टू पॉइंट्स ऑलवेज कॉलिनियर होते हैं क्योंकि उससे एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ सी दिस थ्री पॉइंट्स, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। इन तीन पॉइंट से पास होने वाली सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में है। जब तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तब उन पॉइंट्स को कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। बट यदि तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में ना हो तो क्या होगा? जब तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में ना हो तो हम किसी भी प्रकार से लाइन ड्रॉ करके देखते हैं तो भी ये तीनों पॉइंट्स से पास होने वाली एक सिंगल लाइन ड्रॉ नहीं कर पाते। सो जब तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स हो और तीनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन यानी कि सेम लाइन फॉर्म नहीं होती है तो उन पॉइंट्स को नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ये एक प्लेन में होते हैं। लुक एट दिस पॉइंट्स, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ये एक प्लेन में है। नाउ लुक दिस पॉइंट ए एंड लाइन एल। क्या आप बता सकते हैं ये दोनों एक प्लेन में है या नहीं? यस, ये दोनों इस प्रकार से एक ही प्लेन में है। इन्हें कोप्लानर पॉइंट्स कहते हैं। नाउ इस प्लेन एम को देखो, यह पॉइंट पी एंड लाइन एल एक ही प्लेन में है या नहीं, ये बता सकते हैं? तो आप यहाँ देख सकते हैं पॉइंट पी प्लेन एम में है बट लाइन एल ये एक दूसरे प्लेन में है। ये समझने के लिए इन फिगर्स को देखिए, ये पॉइंट्स और ये लाइन एक प्लेन में नहीं है। जब कोई भी पॉइंट्स या लाइन एक सेम प्लेन में नहीं होते तो उसे नॉन कोप्लानर पॉइंट्स कहते हैं। आप इसे इस प्रकार से याद रख सकते हैं, कोप्लेन यानि सेम प्लेन और कॉलिनियर यानि सेम लाइन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत।